आज आया हुआ हूँ मैं सोलांग वैली, जहाँ पे हर टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, एडवेंचर्स होते हैं। ये है रॉकेट बंजी और इधर देख सकते हैं आप, यहाँ से याक राइडिंग भी चल रही है। यहाँ पे जा रहा हूँ अंजनी महादेव के मंदिर में ATV राइड से, क्योंकि आप पीछे देख सकते हैं ATV राइड अंजनी महादेव जी के मंदिर में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं शिवलिंग और ये ऊपर से गिरता हुआ झरना, जो ये पानी गिर रहा है वो शिवलिंग के ऊपर ही गिरता है। अभी हवा की वजह से ये उधर साइड में जा रहा है। हेलो दगड़ियों, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते पहलाग। और जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा था, मैंने आपको दिखाया था एशिया का सबसे लंबा टनल अटल टनल, और इसके बाद मैं अभी जा रहा हूँ सोलांग वैली, और उसके बाद मैं वहीं से जाऊँगा, वहाँ पे है महादेव जी का मंदिर अंजनी महादेव, तो मैं वहाँ भी जाऊँगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, चलते हैं फिर सीधे सुंदर वादियों के साथ अंजनी महादेव के मंदिर में। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्कीइंग की ड्रेस पड़ी हुई, हर जगह हर दुकानें, यहाँ पे दुकानें ही दुकानें हैं स्कीइंग की। और इस समय बर्फ़ पड़ी है, जो है कोकसर में बर्फ़ पड़ रखी है, तो आप यहाँ पे आके ले सकते हैं 250 रुपये में, इसका रेंट है 250 रुपये। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है सोलांग वैली, जो कि 7 किलोमीटर है। तो आज आया हुआ हूँ मैं सोलांग वैली, जहाँ पे हर टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, एडवेंचर्स होते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये रोपवे भी जा रही है, पीछे रोपवे से आप ऊपर तक जा सकते हैं, जहाँ से आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। और बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये याक राइडिंग भी चल रही है, ATV राइड है, बाकी बहुत सारा है यहाँ पर करने को, देख सकते हैं आप। दोस्तों आप वो देख सकते हैं सामने, ये है रॉकेट बंजी और इधर देख सकते हैं आप, यहाँ से याक राइडिंग भी चल रही है यहाँ पे, और आगे पे ATV राइड के लिए गाड़ियाँ खड़ी हैं सारी, बहुत सारी, और इधर पे रोपवे, बहुत ही सुंदर नज़ारा देख सकते हैं आप, जैसा इसका नाम है वैसे ही यहाँ का नज़ारा सोलांग वैली। तो अभी मैं जा रहा हूँ अंजनी महादेव के मंदिर में ATV राइड से, क्योंकि आप पीछे देख सकते हैं ATV राइड का ये बुकिंग सेंटर भी है। तो आप पीछे देख सकते हैं मेरे पीछे ये है मेरी बाइक, मैं इसमें जाऊँगा, आज पहली बार बैठूँगा शायद मैं, देखते हैं अभी आगे आगे। दोस्तों राइड हो चुकी है शुरू, तो देख सकते हैं आप।
दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ अंजनी महादेव के मंदिर के लिए। यहाँ से है पैदल रास्ता लगभग 1 किलोमीटर का। आप मेरे पीछे देख सकते हैं अंजनी महादेव का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो मैं चलता हूँ अभी, पैदल रास्ता यहाँ से 1 किलोमीटर लगभग। बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हो चुकी है अंजनी महादेव की सीढ़ियाँ शुरू। यहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सीढ़ियों में पूरी बर्फ जमी हुई है। देख सकते हैं ऊपर से झरना गिर रहा है। कहीं फिसल ना जाए इस बर्फ में। तो मैं पहुंच चुका हूं अभी अंजनी महादेव जी के मंदिर में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं शिवलिंग और ये ऊपर से गिरता हुआ झरना। जो ये पानी गिर रहा है वो शिवलिंग के ऊपर ही गिरता है। अभी हवा की वजह से ये उधर साइड में जा रहा है, आप देख सकते हैं। और ये रहा शिवलिंग। देख सकते हैं आप काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। शिवलिंग के ऊपर पानी गिर रहा है, सुंदर ही लगता है। हाँ तो दोस्तों मैं अंजनी महादेव जी के दर्शन करके तो आ गया। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तो मैं उम्मीद करूँगा सोलांग वैली का सुंदर नज़ारा और अंजनी महादेव जी का सुंदर मंदिर देख के आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।